सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। हमेशा की तरह इस बार भी टेली मसाला आपके लिए एक ऐसी न्यूज लाया है जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना बात को घुमाए आपको बता दे कि हम किसी और की नहीं बल्कि सृष्टि रोड की बात कर रहे हैं, जिनका हमारे रिपोर्टर के साथ बिहेवियर देख आप भी मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके बीच जिसकी वजह से सृष्टि ने कहा कि आगे से वो हमें इंटरव्यू नहीं देंगी। माइक को पुश कर दिया और तो और चलते इंटरव्यू में से उठकर चली गई। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, बिग बॉस हाउस में जब जाते हैं कंट्रोवर्सी भर भर के स्टार के साथ बाहर आती है, कोई ऐसे एक दो सेलेब जरूर होते हैं। सृष्टि, जब आप घर के अंदर गई थी, हमें ऐसा लगा था कि क्योंकि हर साल का एक ट्रेंड होता था कि जब भी कोई बिग बॉस हाउस में जाता था उनकी इंगेजमेंट या मैरिज उस हाउस में होती थी। इस बार सब बाहर यही अंदाजा लगा रहे थे सृष्टि और मनीष की होगी, पर बाहर निकलते हैं नहीं, पर आपको नो कमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो सृष्टि, इसके बारे में जाना नहीं, पर मनीष को तो पूछना पड़ेगा। अरे अरे नो, इट्स लाइक इट्स लैटर। ओके, वैसे अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो एक बार दोबारा से आपको दिखा देते हैं कि टेली मसाला की रिपोर्टर ने बड़े ही अदब से सृष्टि से पूछा उनके और उनके फियोंसे मनीष नागदेव पर सवाल, और ये तक कहा कि सृष्टि दे सकती है नो कमेंट्स कहकर इसका जवाब। पर बाहर निकलते हैं नहीं, पर आपको नो कमेंट तो करना ही पड़ेगा नहीं, पर आपको नो कमेंट तो करना ही पड़ेगा। फिर भी सवाल को अवॉइड करते हुए सृष्टि ने दी धमकी और कहा कि आइंदा से नहीं देंगी वो टेली मसाला को कोई भी इंटरव्यू अगर उन्होंने पूछा मनीष पर सवाल। इसके बारे में जाना तो देखा आपने, पहले तो मैडम ने रिफ्यूज किया आंसर करने से, फिर जब रिपोर्टर जब तक कुछ कहे उससे पहले बूम को हाथ से हटा दिया, और सबसे ज्यादा ताजुब तो तब हुआ जब बिना बात पूरी हुए चलती इंटरव्यू में से चलती बनी मैडम। और यहाँ तक बात नहीं रुकी, उठ के चल देने के बाद तो जो उन्होंने इस बात को लेके और इशू किया, काफी गहमा गहमी हुई इस बात को लेकर कि क्यों पूछे उनसे सवाल, और तो और ये भी कहा कि अगर मुझे ये न्यूज ब्रेक भी करनी है तो मैं पहले बॉम्बे टाइम्स को दूंगी। अब ये देख हमें एक बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिर सृष्टि के लिए क्या मुश्किल हो गया था, किस बात ने उनकी टेंशन बढ़ा दी थी। आपको बता दे सृष्टि कि हम बिना वजह आपसे ये बिल्कुल नहीं जानना चाह रहे थे कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। वो तो आपके फैंस हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्हें आपकी लाइफ की हर अच्छी और बुरी बातों से वाकिफ रहने की आदत सी हो जाती है, और बस हम उसका एक जरिया है। सो इस तरह का अग्रेशन दिखाना आपके प्रोफाइल को सूट नहीं करता। फिलहाल आपके एक्शंस ने हमारे सवालों के जवाब बखूबी दे दिया है। आपके और मनीष के रिश्ते पर हम तो कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन वी आर श्योर आपकी इस हरकत से आपके फैंस जरूर ही डिसअपॉइंट हुए होंगे।